नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दमोह जिले के इतिहास में आज सबसे बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 35 से 40 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। खास बात यह कि महिलाओं की उपस्थिति विशेष रूप से देखी गई। दमोनार के आशीर्वाद गार्डन से यह शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। नगर के मुख्य मार्गों से होकर यह शोभा यात्रा निकली। हाथी घोड़े के साथ विशेष टोलियाँ चल रही थी, एक से बढ़कर एक झांकियाँ बनाई गई थी। ऐसा लगा सड़कों पर जैसे सैलाब उमड़ पड़ा हो, आम जनमानस का यह सैलाब था। श्री बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से अमृतमयी श्री राम कथा का रसपान भक्तों को कराया जाएगा। ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने का भक्तों को अवसर मिल रहा है। ऐसे में भक्त पीछे नहीं है। दौ में लगातार देखने को मिल रहा है जब भक्ति भाव में शहर डूबा हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह विशाल पंडाल सजाए जा रहे हैं, लोग स्वागत करने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। वहीं दमोह के होमगार्ड ग्राउंड में जहां राम कथा होना है, विशाल पंडाल बनाया गया है। तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक रूप से भी लगातार व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। अधिकारी भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा जनसमूह, ये जनसमूह श्री राम कथा सुनने के लिए आतुर था। जब ये जनसमूह पंडाल में पहुंचा तो इसकी संख्या कितनी थी ये अंदाज लगाना भी मुश्किल था। किस तरह से युवाओं में जोश नजर आया, विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा राम धुन का गायन किया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। कथा के आयोजक दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा सभी का आभार जहाँ जताया गया, तो वहीं उनके द्वारा अपील की गई कि प्रतिदिन 9 दिनों तक लगातार लोग कथा सुनने के लिए पहुँचे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये भीड़ थी, कितना जनसैलाब यहाँ पर पहुँचा है। Raj.
मंडल के नेतृत्व में किसान सभा द्वारा निकाली जा रही है। लगातार भक्तों का हुजूर जुड़ा हुआ है, एक पल पौड़े बिछाए हुए हैं भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए। कथा सुनाओ जा जा जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।